सोनिया गांधी के जीवन पर घटनाओं का खासा प्रभाव रहा। भारत की राजनीति को 5 पीढ़ियों तक प्रभावित करने वाले परिवार की वो सदस्य थी। बावजूद इसके वो राजनीति से दूर रही। राजनीति में आना नहीं चाहती थी पहले, और जब आई तब उनका लक्ष्य कभी ये नहीं था कि पद हासिल करना है या सत्ता हासिल करनी है, कभी नहीं रहा ये लक्ष्य। पति राजीव गांधी एक पायलट के रूप में आकाश की ऊंचाइयां नाप रहे होते तो वो अपने बच्चों की देखभाल में व्यस्त रहती। परिवार में पहली घटना घटी। संजय गांधी की एक विमान हादसे में मृत्यु हो गई। उनकी मौत से इंदिरा जी अकेली हो गईं। उन्हें राजीव जी का सहारा चाहिए था। राजीव गांधी ने अमेठी संसदीय सीट से चुनाव लड़ा। तब भी वो केवल राजीव गांधी की छाया बनकर रही और खुद को राजनीतिक दिलचस्पियों से दूर रखा। उन्होंने अमेठी की जनता से खुद को जोड़ा। इसमें भाषा कभी आड़े नहीं आई। हम आज भी उन उत्सवों से प्यार करते हैं जिन पर महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव जी करते थे। नियत का पहिया अपनी गति से घूम रहा था। किसे ये मालूम था कि नियत का ये पहिया काल बनकर घूमेगा। 31 अक्टूबर 1984 की सुबह हिंदुस्तान की तारीख में इतिहास बन जाएगी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सीने को उन्हीं के अंगरक्षक छलनी कर देंगे। सब कुछ ठहर गया सिवाय नियत के पहिए के। राजीव गांधी के ऊपर एक तरफ मां के जाने का गम था तो दूसरी ओर देश की जिम्मेदारी। इंदिरा जी नहीं रही, राजीव जी प्रधानमंत्री बने। एक बार फिर नहीं चाहते हुए भी वो राजनीति के और करीब आ गईं। प्रधानमंत्री बनने के बाद वो उनके व्यस्त जीवन में साए की तरह बनी रहीं। लेकिन ये दौर भी ज्यादा दिनों तक नहीं चला। राजीव गांधी देश में हो रहे मध्यावधि चुनाव में पार्टी का प्रचार कर रहे थे। 21 मई 1991 को तमिल उग्रवादियों ने उनकी हत्या कर दी। आहत श्रीमती गांधी ने खुद को घर की चार दीवारी में कैद कर लिया। पार्टी और देशवासी उनसे सक्रिय राजनीति में आने की मांग करते रहे। आखिरकार उन्होंने 1998 में पार्टी की कमान संभाली। उनके सामने चुनौती थी पस्त और हताश पार्टी में जान फूंकने की। इसी बीच 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। सारे सर्वे जीत का भरोसा दिला रहे थे, लेकिन परिणाम आया तो ये भरोसा टूट गया। वो बिना किसी परवाह के पार्टी के लिए काम करती रही। उन्होंने इन्हीं विफलताओं में सफलता के मंत्र ढूंढे। वो ज्यों ज्यों आगे बढ़ी उन पर हमले तेज होते गए। एनडीए के नेताओं ने सारे सामाजिक संस्कार ताक पर रख दिए। सोनिया गांधी ने इन आरोपों से आंख मिलाने का साहस किया। चार फरवरी 2004 को दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला आया। न्यायालय ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को बेकसूर बताया। पर अफसोस, बेदाग होने का फैसला सुनने के लिए वो नहीं रहे। मैं समझती हूँ कि ये सच्चाई की जीत है, राजीव जी की जीत। ऐसे लोगों से जिन्होंने इस तरह की कैंपेन उनके खिलाफ लड़ा, तो मैं नहीं समझती हूँ कि ये लोग कुछ कहेंगे या माफ़ी की बात करेंगे। एक षड्यंत्र थी, एक आदमी थे, एक व्यक्ति थे जो बिल्कुल सीधा था, शरीफ, अच्छा, कर्मठ, देश के लिए काम करना चाहता था और उस आदमी को बिल्कुल ख़त्म करना चाहती थी। सोनिया गांधी ने विपक्ष के विदेशी कहने वालों का मुंह बंद कर दिया।
लोग वैसे आते रहेंगे, मेरी आलोचना करते रहेंगे और चले भी जाएंगे, लेकिन जिस तरह से 31 साल पहले मेरी बारात यहाँ आई थी, उसी तरह मेरी अर्थी भी इस धरती पर उठेगी। यह हक मुझसे कोई नहीं छीन सकता।